डाल दे सर के डाल दे सर डाल दे सर पेशाबाद किरदाए मौला ये ना दे आर के मुशायरा मीडिया दोस्तों आइए मेरे दोस्तों एक शेर सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों शायद किस चीज को तमाम शोराए किराम बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों की हाजिरी में ये बता दूं कि शायरी कहते हैं कि एहसासात के कलम में नहाए हुए कलम से मीम की पतियों में लफ्ज़े मोहब्बत लिखने का नाम शायरी है। मेरे दोस्तों देखिए एक शेर मैं सुनाता हूँ, ये जमील अख्तर शफीक बिहार का एक शेर है, उनका शेर है, मैं अपना शेर नहीं सुना रहा। मेरे दोस्तों वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही तो अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों क्या मिश्रा बोलते हैं मेरे दोस्तों, सुने कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही तो अच्छा नहीं लगता। और शेर देखे मेरे दोस्तों जरूर मचलिएगा कि गुजारी उम्र सारी मां ने एक टूटी चटाई पर, गुजारी उम्र सारी मां ने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। गुजारी उम्र सारी मां ने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। और शेर देखे मेरे दोस्तों क्या कहते हैं कि यहाँ ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट के कश पे, यहाँ ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट के कश पे, मुझे इस दौर का नेता कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट के कश पे, मुझे इस दौर का नेता कभी अच्छा नहीं लगता। और तमाम शोरा के नाम से माजरत साथ चाहते हुए शेर सुना दूं, चूंकि नातिया मुशायरा है इसलिए सुनाने में कोई दिक्कत नहीं कि मेरे दोस्तों आगे शेर जमील अख्तर शफीक कहते हैं कि हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं ये तुम ना कहना अजी अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं ये तुम ना कहना अजी अच्छा नहीं लगता। आइए मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बड़े बुजुर्गों मेरे दोस्तों हमारी महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए स्टेज पर ऐसी ऐसी रोशन हस्तियां जलवे अफरोज है जिनकी जियारत और मुलाकात इबादत, जिनके फरमोदात और शादात खैर व फलाह बरकत व सआदत, जिनका मशगला तबलीग और तरबियत, जिनका रास्ता राह सुन्नत, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है, तो लीजिए उन्हीं में से मैं एक नाते नबी की फिजा कायम करने के लिए मैं जनाबे सुल्तान अरकम रांचवी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और नाते पाक का हदिया पेश करें। हजरत गरामी डाइस पर बैठे मुअज्जज उलमाए किराम और मुअज्जज सामाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके इस तैयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिर आया हूं। हमारे बीच आज इस जलसे की खूबसूरत निजामत फरमा रहे हजरत जनाब मौलाना निशाद अख्तर साहब और आमिर कैफ साहब और हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जनाब खालिद अंबर साहब जिनकी निजामत का जादू सामाईन के सर चढ़ करके बोला करता है। मेरे दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं सीधे सीधे नातिया कलाम के चंद अशार से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। उससे कबल एक बार मजमा हाथों को उठा करके बता दे कितने लोग सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह खालिद भाई अब लगा है कि जलसा शुरू हो रहा है, आप आ गए, मैं पढ़ता हूँ देखिएगा। जलसा हो गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत मुफ्ती आरिफ बिल्ला साहब का और आमिर कैफ साहब का और अताउल्ला रहवर साहब का कि इनकी दावत पर हमारी हाजिरी हुई है। मैं तमाम
डाइस वालों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे बीच मेहमान शायर तशरीफ रखते हैं, मैं सबका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ता है, आफ्ताब है। मैं सीधे सीधे मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा। जी इरशाद। कि सर कटाने क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज को भी तैयार रे है कैसे कैसे। मैं को पीटर भैया थोड़ा सा इको डाल दे, मजा आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, आप थोड़ा सा और अच्छा कर दे। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। खालिद अंबर साहब। केसर का टाहने को भी तैयार, सर का टाहने को भी तैयार रे है कैसे कैसे। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा। जनाब फहीम थंबादी आपको उठ करके दाद दे दिए, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दोस्तों की उम्रों के अंदर बरकत अता फरमाए। गांधी जी आमीन। फिर पढ़ता हूँ, देखिएगा। आप माशाल्लाह हमारे शोरा बेदार हैं, आप बेदार हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मजा आएगा। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। कि सर का टाहने, सर का टाहने, सर का टाहने को भी तैयार रे है कैसे कैसे। और एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा खालिद भाई। जी जी। के ठाने दे सर पेशाफाते किरदाए मौला, के ठाने दे सर डाले दे सर पेशाफाते किरदाए मौला। खालिद भाई देखिएगा, थोड़ा सा बेदार से सुने इंशाल्लाह, हौसला अफजाई करके सुने इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। जी मैं सुन रहा हूँ। कि डाले दे सर कि डाले दे सर डाले दे सर पेशाफाते किरदाए मौला।
ना देखे, ये ना देखे, ये ना देखे के गुनहगारे हैं कैसे, कैसे ये ना देखे। आइए हजरत और चंद अशआर आपकी समातों के हवाले करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, एक बार हाथों को उठा कर बता दे। माशाल्लाह, इतना ही लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, पूरा मजमा उठा दे हाथ और बता दे कि हम भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सबकी माओं को सलामत रखे। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा हकीम भाई यहाँ पर अब्दुल हकीम साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। माँ की अजमत भुला ना पाओगे, माँ की अजमत अजमत माँ की अजमत भुला ना पाओगे, माँ की अजमत के माँ की अजमत माँ की अजमत भुला ना पाओ के माँ का रुतबा रुतबा माँ का रुतबा घटा ना पाओगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह रुतबा